जिनेन्द्र वंदे तु सव सिद्धे दुव ममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी, महान ग्रंथादिराज में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है और उसमें कल की ज्ञानशाला की कक्षा में हमने वर्णन पढ़ा निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण किसे कहते हैं। जब निश्चय रूप अवस्था की चर्चा की जाती है ऐसी स्थिति में आत्मस्वरूप में लीन होने का नाम ही निश्चय है। रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी ऐसी अवस्था में अभेद विवक्षा को प्राप्त हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते। कथन में भले ही कह सकते हैं निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, लेकिन ये सब तीनों अविनाभावी है, तीनों एक साथ होते हैं। पिछली कक्षा में हमने निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यान का स्वरूप समझ लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं, निश्चय आलोचना किसे कहते हैं और फिर अगली गाथा में आचार्य भगवान कहेंगे निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना ही वास्तविकता में चारित्र है। देखते हैं। जम सुह मसुह मुद्दिन्नम, जम सुह मसुह मुद्दिन्नम, जम सुह मसुह मुद्दिन्नम, संपड़िय अणेय विथर विशेषम, संपड़िय अणेय विथर विशेषम, तम दोषम जो वेददि, तम दोषम जो वेददि, सखलु आलोयणं चेदा, सखलु आलोयणं चेदा। बोलिए, जम सुह मसुह मुदिन्नम, संपणीय अणेय त्विथर विशेषम, तम दोषम जो वेददि, सखलु आलोयणं चेदा। जम सुह मसुह मुदिन्नम, संपणीय अणेय विथर विशेषम, तम दोषम जो वेददि, तम खलु आलोयणं चेदा। अर्थ देखें, जम सुह मसुह मुदिन्नम, जम अर्थात जो, सुहम असुहम, सुहम अर्थात शुभ, असुहम अर्थात अशुभ, जो कर्म हैं उनके उदिन्नम अर्थात उदय में, जो शुभ अथवा अशुभ कर्म का जो उदय है। संपड़ीय, संपड़ी अर्थात संप्रति, वर्तमान में कैसा है वह शुभ और अशुभ कर्म का उदय, अनेय अनेक प्रकार का है, विथर विशेषम विस्तार से जो विशेष है अर्थात विस्तृत है, वह जो शुभ और अशुभ कर्म का उदय है, जो अनेक प्रकार के विस्तार से जो विस्तृत है, अनेक प्रकार वाला है, अनेक प्रकार से जो फैला हुआ है, वर्तमान की अपेक्षा से, उदय की अपेक्षा से, ऐसे उस शुभ और अशुभ कर्म के उदय को तम दोषम जो वेददि, तम अर्थात उसको, उसको किसको, दोषम उस दोष को, जो वेददि जो मानता है, क्या मानता है, ये जो शुभ और अशुभ कर्म का उदय है जो वर्तमान में मुझे अनेक प्रकार से प्राप्त हो रहा है, इसको जो दोष मानता है या उस दोष को जो मानता है, दोष को मानने से तात्पर्य यहाँ पर है उससे जो बचना चाहता है, उससे जो अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, स खलु आलोयणम चेदा, स मतलब वह, खलु अर्थात निश्चय नय से, निश्चित रूप से, आलोयणम आलोचना है, चेदा मतलब आत्मा, ऐसा वह आत्मा निश्चय से आलोचना स्वरूप है। क्या मतलब, सामान्य रूप से जब हम आलोचना की बात की जाती है तो अपने किए गए दोषों की जो निंदा है, उन दोषों का जो पछतावा है,
हाय मैंने ये गलती क्यों की, ये आलोचना कहलाती है। और वर्तमान में जो कर्म का उदय उसे प्राप्त हो रहा है, उस उदय को जान करके उससे जो दूर होना चाहता है उसका नाम है आलोचना। निश्चय नहीं की अपेक्षा से यहाँ कथन कर रहे हैं। जो आत्मस्वरूप में स्वसंवेदन ज्ञान में शुद्धोपयोग में वीतराग सम्यक्त ज्ञान चारित्र में जो तल्लीन है, ऐसे मुनि महाराज, ऐसी आत्मा किस प्रकार से निश्चय आलोचना को प्राप्त होती है, उसका स्वरूप यहाँ पे बता रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जम अर्थात जो, सुहम असुहम उदिन्नम, शुभ और अशुभ कर्म का जो उदय है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, जो पूर्व में इस जीव ने कर्म किए हैं उसका जो उदय इसे प्राप्त होता है, और उदय की अपेक्षा से जो फल यह प्राप्त करता है उसके लिए कह रहे हैं, वह जो फल है, वह जो कर्म का उदय है, संपड़ीय अर्थात वर्तमान में इस समय अनेय विथर विशेषम, अनेक प्रकार के विस्तार से जो विस्तृत है, अनेक प्रकार वाला है। ऐसा नहीं है कि वह शुभ और अशुभ कर्म का उदय सिर्फ दो ही प्रकार से, अनेक प्रकार वाला है। ऐसे उस अनेक प्रकार वाले वर्तमान में उदय में आने वाले उस शुभ अशुभ कर्म के उदय को, तम दोषम जो वेददी, उस दोष को, उस कर्म के फल को, उदय को, जो वेददी, जो मानता है, जो समझता है कि हाँ मैंने उस कर्म के उदय के कारण से ये क्रिया की, मुझे नहीं करनी चाहिए, इस कारण से वो उस कर्म का त्याग करता है, उससे पीछा छुड़ाता है। स खलु आलोयणम चेदा, चेदा मतलब वह आत्मा, खलु मतलब निश्चय से, आलोयणम आलोचना है, वास्तव में निश्चय नहीं की अपेक्षा से वही आलोचना है। जैसे पूर्व की दो गाथाओं में हमने निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यान समझा, ठीक उसी प्रकार यहाँ इस गाथा में आचार्य भगवान निश्चय आलोचना का स्वरूप बता रहे हैं। गाथा का भावार्थ देखें। अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत शुभ या अशुभ कर्म वर्तमान में उदय में आ रहा है, उसे जो भी ज्ञानी दोष मानता है अर्थात उससे बचना चाहता है, मिटा देने योग्य भावना करता है कि मैं इससे दूर हो जाऊं, इसको मिटा दूं, वह आत्मा निश्चय से आलोचना स्वरूप होता है। पंडित जी, अनेक प्रकार के विस्तार से यहाँ क्या तात्पर्य है? बात चल रही है शुभ और अशुभ कर्म के उदय की। शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उदय आने पर उसकी जो फल देने की शक्ति है वो क्या एक ही प्रकार की होती है? उत्तर मिलेगा नहीं, अनेक प्रकार की होती है। जीव जिस समय कर्म का बंद करता है उस समय उसके जो परिणाम होते हैं, उस समय जो उसके कषाय होती है, उस निमित्त से उसके जो कर्म बंधते हैं उनमें जो फल देने की शक्ति है वह भी कम ज़्यादा होती है। और जब कर्म उदय में आता है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उदय में आता है, तदनुसार वैसा परिणाम होता है, वैसा फल देता है। इसलिए शुभ और अशुभ कर्म का उदय जो है वो अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत है। विस्तार से विस्तृत होने का तात्पर्य ऐसा है कि वो सिर्फ यूं कहें कि एक ही प्रकार का नहीं है। 100 लोगों के अगर असाता वेदनी कर्म का एक साथ उदय आ रहा है तो 100 लोगों को एक जैसा अनुभव नहीं होगा, उन 100 लोगों को सबको अपना अपना अनुभव भिन्न होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा, किसी को 100% होगा, किसी को 80% होगा, किसी को 25% ही होगा। तो इस प्रकार से कर्म का जो उदय है, जो फल है, वह अनेक प्रकार का है। यूँ हम कह सकते हैं कि जितने जीव हैं उस प्रकार का है, असंख्यात प्रकार का भी हम वहाँ पर कथन कर सकते हैं। इस अपेक्षा से यहाँ आचार्य भगवान ने कहा है कि वह जो शुभ अथवा अशुभ कर्म का जो फल है, जो उदय है, वह उदय अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत है। वो जो फल देने की शक्ति है वो अनेक प्रकार की है, और इसी कारण से उस अनेक प्रकार के फल में भी वह जो ज्ञानी आत्मा है, वह जो आत्मस्वरूप में लीन आत्मा है, वो उस कर्म से दूर होना चाहता है, उसको अपने से छुड़ाना चाहता है, रहित होना चाहता है, यही वास्तव में निश्चय आलोचना कहा गया है। पंडित जी, व्यवहार और निश्चय आलोचना में क्या अंतर है? वर्तमान के कार्यों से भी दूर रहना
ये कहलाती है व्यवहार आलोचना। सामान्य रूप से जैसा कि हम जानते हैं अपने किए गए दोषों की निंदा करना, ये भी व्यवहार आलोचना के अंतर्गत आता है। हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं जिसमें हम जो दिन भर में बहुत तरह के कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, घर परिवार का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उस निमित्त से जो दोष लग जाते हैं वर्तमान में उनको नहीं करना, उनसे दूर रहना और जो कर्म किए उनकी निंदा करना, ये कहलाती है व्यवहार आलोचना। निश्चय आलोचना का स्वरूप अभी हमने गाथा में पढ़ा। शुभ और अशुभ कर्म जो अनेक प्रकार के विस्तार से विस्तृत हैं, अनेक प्रकार के फल देने वाला है, ऐसे शुभ और अशुभ कर्म के उदय में भी जो दोष मानता है, दोष मानने से तात्पर्य है वर्तमान समय में उन कर्मों से जो दूर रहता है, क्योंकि उस कर्म के फल को उसने समझ लिया है, जब समझ लिया तो वो पुनः वो कर्म क्यों करेगा। इस कारण से वर्तमान में उन शुभ अथवा अशुभ कर्म के उदय को दोष मान करके जो उनसे दूर रहता है, आत्मस्वरूप में जो लीन रहता है, निश्चय की जहाँ पर भी बात आएगी वहाँ पर आत्मस्वरूप में लीन की बात आएगी ही आएगी, इसलिए आत्मस्वरूप में लीन वह आत्मा निश्चय आलोचना कहलाता है। यही दोनों में अंतर समझना चाहिए। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। तत्काल जो कलुष राग तरंग माला है जन्म तीर हृदय में दुख पूर्ण हाला, विज्ञान से बस उसे झट से हटाना, आलोचना वह रही प्रभु का बताना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवान? तत्काल मतलब उसी समय जो कलुष राग तरंग माला, जो मन में कलुष रूप, पाप रूप, राग द्वेष आदि रूप जो तरंग माला मन के जो परिणाम है जन्मती, जन्म लेती है हृदय में, कैसी है वो? दुखपूर्ण हाला, विष के समान है, दुख देने वाली है। लेकिन विज्ञान से अर्थात विशिष्ट ज्ञान से, अपने आत्मस्वरूप ज्ञान से बस उसे झट से हटाना अर्थात जल्दी से उसे दूर करना, वास्तव में वही आलोचना कही गई है। चूँकि निश्चय आलोचना का यहाँ पर स्वरूप चल रहा है, इस अपेक्षा से उन सबसे दूर होकर के, क्योंकि आलोचना का मतलब वर्तमान में उन कार्यों से दूर होना, उन क्रियाओं से दूर होना, उन शुभ और अशुभ कर्म के फल को, उदय को जान करके, दोष जान करके उनको हटाना, उनसे दूर होने का नाम ही निश्चय आलोचना है। आइए अगली गाथा में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय आलोचना को ही उन्होंने वास्तविक चारित्र कहा है। देखें। णिचम पच्चखाणम, णिचम पच्चखाणम, कुवदिणिचम पिजो पड़ कमदी, णिचम आलोचे दिए, णिचम आलोचे दिए, सोहु चरित तम हवदि चेदा, सोहु चरितम हवदि चेदा। बोलिए। णिचम पच्चखाणम कुवदिणिचम पिजोपड़ि कमदि, णिचम आलोचे दिए सोहु चरितम हवदि चेदा, णिचम पच्चखाणम कुवदिणिचम पिजोपड़ि कमदि, णिचम आलोचे दिए सोहु चरितम हवदि चेदा। अर्थ देखें। णिचम पच्चखाणम, णिचम अर्थात नित्य, पच्चखाणम अर्थात प्रत्याख्यान को, जो अभी हम स्वरूप पहले पढ़ करके आए हैं उस प्रत्याख्यान को, कुवदि अर्थात करता है, निचम्पी और निरंतर अर्थात नित्य ही, जो मतलब जो आत्मा पड़िक कमदि प्रतिक्रमण को करता है, जो नित्य प्रत्याख्यान को करता है और निरंतर नित्य प्रतिक्रमण को भी करता है, निचम आलोचे दिए, निचम अर्थात नित्य ही
आलोचेदी अर्थात आलोचना को करता है। सो अर्थात वह आत्मा या वह चरित्तम हवदि चेदा, चरित्तम अर्थात चारित्रवान, चारित्र से युक्त, हवदि मतलब होता है, चेदा अर्थात आत्मा। वह आत्मा चारित्र से युक्त होता है अर्थात उस आत्मा का वही चारित्र कहलाता है, उसे ही निश्चय चारित्र जानना चाहिए। गाथा का अर्थ सरल है। यहाँ पर जो पहले की तीन गाथाएं हैं उनका सार इस गाथा में आचार्य भगवान ने बता दिया। जो हमने निश्चय प्रत्याख्यान पढ़ा, जो निश्चय प्रतिक्रमण पढ़ा और जो निश्चय आलोचना पढ़ी, उन निश्चय आलोचना प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान को जो साधु नित्य करता है वास्तव में वही चारित्रवान है अर्थात वही निश्चय चारित्र है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे सामान्य से व्यवहार की अपेक्षा से हम कथन करते हैं, जो मुनि महाराज होते हैं वो प्रतिदिन प्रति समय अपने 28 मूलगुणों का पालन करते हैं, उन मूलगुणों के पालन के साथ साथ वो प्रतिदिन प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना करते हैं, भक्ति आदि करते हैं, उस निमित्त से जो प्रतिदिन की क्रियाओं में भी यदि कोई दोष लग रहा है तो उस दोष की वहाँ शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार वो व्यवहार की अपेक्षा से कथन था, यहाँ निश्चय की अपेक्षा से कथन है। निश्चय चारित्र किसे कहेंगे, तो एक शब्द में यदि हम कहें जो मुनि महाराज आत्मस्वरूप में लीन होकर के शुद्धोपयोग को प्राप्त होकर के नित्य ही निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय आलोचना को प्राप्त होते हैं या उनको करते हैं, वास्तव में वे साधु निश्चय चारित्र के धारक होते हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। निच्चम पच्चक खाणम, निच्चम अर्थात नित्य, पच्चक खाणम प्रत्याख्यान को, यहाँ कौन से प्रत्याख्यान की बात है, यहाँ पर निश्चय प्रत्याख्यान की बात है। नित्य ही जो प्रत्याख्यान को कुव्वदी अर्थात करता है, निच्चम पी जो और नित्य ही निरंतर ही पड़िक कमदी प्रतिक्रमण को करता है, निच्चम आलोचे दिए और नित्य ही आलोचना को करता है, कौन, चेदा मतलब आत्मा, वो आत्मा, सो मतलब वह आत्मा, चरित्तम हवदी हु मतलब निश्चय से, वह आत्मा निश्चय से चारित्रवान होता है अर्थात वास्तव में उसी आत्मा का निश्चय चारित्र कहा गया है। गाथा का भावार्थ देखें। जो इस प्रकार के प्रतिक्रमण को, इस प्रकार से तात्पर्य है जो पिछली तीन गाथाओं में हमने निश्चय की अपेक्षा से जो कथन पढ़ा, उस निश्चय प्रत्याख्यान को, प्रतिक्रमण को और आलोचना को निरंतर करता रहता है, वह ज्ञानी जीव निश्चय से चारित्रवान होता है। पंडित जी, क्या निश्चय प्रतिक्रमण आदि में कोई अंतर है? जब निश्चय की बात की जाएगी तब तीनों में कोई अंतर नहीं है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना निश्चय रूप जहाँ पर होंगे वहाँ पर आत्म स्वरूप में लीन उन मुनि महाराज के, शुद्धोपयोगी उन मुनि महाराज के तीनों एक रूप ही होंगे, तब वहाँ पर तीनों में अंतर नहीं होगा। अंतर कहाँ होगा, जहाँ व्यवहार रूप कथन होगा। पूर्व में जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों के प्रति ममत्व का त्याग होना, यह है प्रतिक्रमण। जो कार्य हमने किए दोष लग गए, गलती हो गई, उन्हें आगे नहीं करने का संकल्प करना अथवा त्याग करने का नाम है प्रत्याख्यान, और वर्तमान में उन कार्यों से दूर रहना, उन दोषों को हटाना, इसका नाम है आलोचना। व्यवहार की अपेक्षा से ये तीनों शब्द अलग अलग है, तीनों की क्रिया अलग अलग है, तीनों के भाव अलग अलग हैं, शब्द की अपेक्षा से भेद है। लेकिन जब निश्चय की बात करेंगे तो जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया, आत्मस्वरूप में जब लीनता होती है तब उस समय कोई भेद नहीं रहता। जैसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार की अपेक्षा से तीनों भेद रूप में हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जब निश्चय की बात करेंगे तो तीनों एक रूप होते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान से युक्त जो शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन है, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के तीनों एक रूप ही होते हैं।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय आलोचना, इनको भी हमें एक रूप ही जानना चाहिए, अभेद रूप ही जानना चाहिए। पंडित जी, इस गाथा में किस जीव की चर्चा की गई है? गाथा के चौथे चरण में आचार्य भगवान ने लिखा, वह ज्ञानी जीव चारित्रवान होता है। कैसा चारित्रवान? निश्चय चारित्रवान होता है। तो कौन सी जीव की यहाँ चर्चा है, कौन सी आत्मा की? जो शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन है। ज्ञानी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है, और ज्ञानी से यहाँ तात्पर्य, चूंकि हम अध्यात्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, और अध्यात्म के शास्त्र में ज्ञानी वही कहा गया है जो आत्म स्वरूप में लीन है, वीतराग स्वसंवेदन के ज्ञान से संयुक्त है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, अभेद रत्नत्रय जिनका स्वरूप है, परम समाधि में जो लीन है, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज को ही यहाँ पर ज्ञानी कहा गया है। जैसा कि पूर्व में भी हम पढ़ करके आ चुके हैं, शुद्धोपयोग की अवस्था से जो निचली दशा है उनमें सबको आचार्य भगवान ने अज्ञानी दशा में माना है, अध्यात्म शास्त्र की अपेक्षा से हम जो कथन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन्हीं ज्ञानी जीव की बात है जो आत्म स्वरूप में लीन है। इसीलिए तो तीनों चीज, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान भी निश्चय अवस्था को प्राप्त होने के कारण से तीनों अभेद हो जाते हैं, और इसीलिए ऐसे उस ज्ञानी आत्मा के वास्तविक निश्चय चारित्र कहा गया है। पंडित जी, ऐसे ज्ञानी जीवों का कौन सा गुण स्थान होता है? आपने प्रश्न में ही पूछा ज्ञानी जीव का, तो ज्ञानी से यहाँ तात्पर्य, जैसा कि हमने बताया, ज्ञानी से यहाँ तात्पर्य है जो आत्म स्वरूप में लीन है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, ऐसे मुनि महाराज। अब उनका गुणस्थान कौन सा होगा, हम दो अपेक्षा से चर्चा करें, एक द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से, एक कर्णानुयोग की अपेक्षा से। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से यदि हम चर्चा करेंगे तो सातवें गुणस्थान से यह अवस्था प्रारंभ होती है, जिसमें वे मुनि महाराज समस्त पर द्रव्यों से रहित होकर के ध्यान आदि में लीन होकर के आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाते हैं। उस अपेक्षा से सातवें गुणस्थान से वह अवस्था बनती है। जब हम कर्णानुयोग की अपेक्षा से बात करते हैं, कषाय रहित ग्यारहवें गुणस्थान से यह अवस्था बनती है। इस प्रकार गुणस्थान में कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से यह अंतर समझना चाहिए। सातवें गुणस्थान से ही यह अवस्था प्रारंभ होती है, शुद्धोपयोग उसके पूर्व तो होना संभव ही नहीं है। पंडित जी, तो क्या निश्चय रूप अवस्था चतुर्थ गुणस्थान में नहीं हो सकती? आप स्वयं विचार करें, चतुर्थ गुणस्थान में निश्चय रूप अवस्था कैसे हो सकती है? वहाँ तो अभी मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही प्राप्त हुआ है, वह भी व्यवहार वाला। अभी तो व्यवहार सम्यक चारित्र भी नहीं मिला, यहाँ तो निश्चय चारित्र की बात कर रहे हैं। और जब निश्चय की बात की जाएगी तो तीनों एक होंगे, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। क्या चतुर्थ गुणस्थान में तीनों एक हो सकते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक चारित्र का अविनाभावी है। जो लोग चतुर्थ गुणस्थान में निश्चय सम्यक दर्शन मानते हैं उनसे मेरा निवेदन है, फिर तो उन्हें निश्चय सम्यक चारित्र भी मानना पड़ेगा। चतुर्थ गुणस्थान में तो व्यवहार चारित्र ही नहीं है, निश्चय सम्यक चारित्र कैसे प्रकट होगा? इसलिए चतुर्थ गुणस्थान में यह अवस्था तीन काल में संभव नहीं है। आचार्य भगवंतों ने बहुत स्पष्ट लिखा है, जब व्यवहार मोक्ष मार्ग ही छठे गुणस्थान से प्रारंभ होता है, तो निश्चय की जब बात करेंगे तो वह तो, जैसा कि अभी पूर्व प्रश्न में हमने उत्तर दिया, द्रव्यानियों की अपेक्षा से सातवें गुणस्थान से और कर्णानियों की अपेक्षा से ग्यारहवें गुणस्थान से वह शुद्धोपयोग रूप अवस्था प्राप्त होती है। तो ये जो निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय आलोचना और निश्चय प्रत्याख्यान का जो यहाँ पर हमने कथन किया, जो आचार्य भगवान ने अंतिम गाथा में 400 नंबर की गाथा में जो यह बात कही, निश्चय चारित्र क्या है, निश्चय चारित्र अर्थात जो हमेशा नित्य निश्चय आलोचना, निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यान में लीन रहते हैं, करते हैं, ऐसे उन ज्ञानी जीव के निश्चय चारित्र होता है, जो कि उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के संभव है, अन्य के नहीं। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। जो प्रत्याख्यान करता रुचि संग साता,
साधु प्रतिक्रमण धार सदा सुहाता, आलोचना सरसी में डुबकी लगाता, चारित्र निश्चय जिसे शिर में नवाता। पंक्ति में अंतिम में कह रहे हैं सरसी अर्थात तालाब में, कैसे सरोवर में, निश्चय आलोचना, निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यान रूप सरोवर में जो डुबकी लगाता है वास्तव में वही निश्चय चारित्र है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे उस निश्चय चारित्र को मैं नमस्कार करता हूँ ताकि हम भी उस निश्चय चारित्र को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र, सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, वन शांति अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 184 N5 सावरकर नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र।